रीवा शहर की सिविल लाइन पुलिस ने एक स्कूटी समेत नशीले कफ सिरप की खेप को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार पुलिस को देखते ही नशीले कफ सिरप सहित स्कूटी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल स्कूटी सहित नशे की खेप को जब्त कर लिया है और जब्त हुई स्कूटी सहित सीसीटीवी फुटेज की मदद से मौके से फरार हुए तस्कर की पहचान करने का प्रयास कर रही है। कार्रवाई के संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे एक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थाने आ रहा था, उसी समय उसे कबाड़ी मोहल्ले के समीप स्कूटी दिखाई दी जिसमें एक बोरी लदी हुई थी। संदेह होने पर जब पुलिसकर्मी के द्वारा स्कूटी की तरफ रुख किया गया तो स्कूटी सवार पुलिस को देख कर वहां से फरार हो गया। मौके पर तलाशी लेने पर पता चला कि बोरी में बंद स्कूटी में ऑलरेक्स कप सिरप रखी हुई है जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गया और अब पुलिस अज्ञात आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। कल सुबह करीबन 6:30-7 बजे की बात है, प्रभात गश्त से एक प्रधान आरक्षक लौट रहे थे। जैसे ही वो छोटी पुल को क्रॉस करके चुरहटा तरफ से आ रहे थे, तो छोटी पुल क्रॉस करके और कबाड़ी मोहल्ला के सामने से गुजरने वाले थे कि एक स्कूटी वाला व्यक्ति जिसके स्कूटी पर बोरी में कुछ संदिग्ध सामान जैसा लदा था वो पुलिस को देखते ही भाग गया। पुलिस को शक हुआ, तुरंत उस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और उसमें देखा तो ड्रग्स जो प्रतिबंधित ड्रग्स है ऑनरेक्स कफ सिरप की उसमें रखी हुई थी। साथ ही साथ उसकी डिग्गी खोल के देखा गया तो उसमें 2 कारतूस भी बरामद हुए। इसके बाद उसको यहाँ पे लाया गया, तुरंत पूरी फील्डिंग फैलाएगी क्योंकि वो लड़का भाग चुका था। उसकी तलाश पुलिस करती रही, रक्षक तलाश करती रही और वो नहीं मिला। फुटेज के आधार पर उसकी शिनाख्त की जा रही है, जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। इसके बाद थाने पर ला के सामान को और पूरी कार्रवाई हुई, जब्ती हुई और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।